नमस्कार मु तपन आसीबा संपूर्ण खबर रु दिल्ली रु पल्ली जाए धां दौड़ कलबल लगे सबु दल तेणु प्रश्न होउछि देशरे आगुआ हेबो कि निर्वाचन 2023 रे पांचोटी राज्य रे विधानसभा निर्वाचन आउ आकलन करा जाउछि सही समय रे होई पारे लोकसभा भोट समीक्षक मध्य सेपरि किछि मत देइछन्ति जदि सेहा हुए ताहाले आम राज्य रे भी 23 रे हेबो कि निर्वाचन आउ दल माने कहिछन्ति आगरे हेउ बा पछरे आमे सबु प्रस्तुत देशरे सरगरम राजनीति सक्रिय हेलेनी जातीय ओ आंचलिक दल चालिछि कार्यक्रम लोकंक स जोडुचन्ति नेता तेणु प्रश्न देशरे आगुआ हेबो कि साधारण निर्वाचन 24 नुहे बरं 23 रे हेबो कि निर्वाचन किछि राज्यर निर्वाचन स होइजिव कि दिल्ली लढै नवंबर ओ डिसेंबर मध्यरे छत्तीसगढ़ तेलंगाना मिजोराम मध्यप्रदेश और राजस्थान विधानसभा निर्वाचन तेणु सरगरम है वातावरण गोटेपटे संगठन विस्तार करने विभिन्न राज्य को केन्द्रमंत्री मैंने गस्त करुवा बेले बीजेपी तथा मोदी विरोधी मोर्चा खोली विरोधी निर्वाचन होगा पांच राज्य में बीजेपी स्थिति एतटा भल ना तेणु चर्चा हो आगुआ साधारण निर्वाचन ओह्ल पारे एनडीए ओडार भी निर्वाचन पाग भिड़िले तीन दल बीजेडी संगठन पुनर्विन्यास करने घन घन बैठक करी प्रस्तुति आरंभ करी देढ़ कोटी भोट हाते एक पाखिया विजय ब्लू प्रिंट करी शासक दल सेपटे बीजेपी केन्द्र नेतृत्व गस्त आरंभ होता बेले आग को आसबे राष्ट्रीय अध्यक्ष एणु उत्साहित बीजेपी क्यांप कांग्रेस भारत जोड़ यात्रा आरंभ करी बेले राज्य शाखा को बल देवा आसबे दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश तीन दलर एभली तरबरिया निर्वाचन प्रस्तुति को देखिले आगुआ निर्वाचन नहीं चर्चा को अधिक बल दे समीक्षकों मतरे 2023 रे हेबाकु थिबा राज्यर निर्वाचन रिजल्ट केन्द्र राजनीति को प्रभावित करी पारे तेणु रिस्क न उठाई मोदी लोकप्रियता को आधार करी आगुआ निर्वाचन पर निष्पत्ति नहीं पारती केन्द्र सरकार आउ केन्द्र नेतृत्व फोकस रु हटा राज्य सरकार भी एका सांगे निर्वाचन को आसी पारती प्रधानमंत्री गुड़ा पदक्षेप नहीं पारे आगुआ नहीं पारती जो अपोजिशन विल गेट नो टाइम कारण जितक अधिक दिन समय लगुच से कनसोलिडेट हे बीजेडी के चाहमन जी ओडा विधानसभा निर्वाचन जितियों निर्वाचन टू अलग हो राज्य निर्वाचन टाक अलग कले जितियों निर्वाचन नेता मैंने समस्त ओडार ठूल हूँ सी चाहे आगुआ निर्वाचन पूर्वर भी संकेत दे सारी राज्य बीजेपी लड़ाई प्रयास जारी रही बेले दल सबु समय रे प्रस्तुत बोली कहिछन्ति विरोधी दल नेता सेपटे बीजेडी कहिछि जे कोनोसी समय रे निर्वाचन पई दल प्रस्तुत नवीन को लोकप्रियता और दलय कार्यक्रम आधार रे एक तरफा विजय ने आशावादी रहिछि शासक दल आउ कांग्रेस कहिछि निर्वाचन हेले भी विशेष किसी प्रभाव पड़बनि थेरे किछि प्रस्तुति बहुत बड़ कथा नुहे आमे 365 दिन कम बेसी प्रस्तुत होउ था देखु प्रस्तुत आम अच्छु किंतु आगुआ निर्वाचन हबो कि नहबो एटा तो आम पाखे किसी खबर ना 13-14-15 तालीम शिविर अच्छी तापर डिफरेंट जगार आम ये वर्षा कालीन कार्यक्रम गुड़ाक नौ संपर्क तो मानव मुख्यमंत्री निष्पत्ति कर आगुआ निर्वाचन जल्दी हुए कि आगुआ निर्वाचन हम कि नहीं सी मतलब प्रश्नवाची अच्छे 365 दिन किसी ना किसी कार्यक्रम करुचु लोकों पाखे आम अच्छु मुख्यमंत्री लोकप्रियता बढ़िवार लगी भोटर हार बढ़ुच्छे सीट संख्या बढ़ुच्छे से निर्वाचन जो समय है बीजेडी निश्चित प्रस्तुत अच्छे आग चारिटा स्टेट जोड़ा होकर कनसनट्रेट करेंगे परीक्षा करेंगे पुणे देखिए आगे निज्क सजाड़े जहाँ एवं अवस्था अच्छे जदि आगे जेनेल समय आसो से अवस्था हम बर्ष छमास आठ मस पर आसे अवस्था से रान भाव रिश्ते किसी विशेष किसी तफात पड़े कलबल कमाइबा को एका थरके देश में निर्वाचन पर कही आसुचार प्रधानमंत्री तेणु 23 रे कम से कम पांच राज्य में निर्वाचन थिबारु आगुआ निर्वाचन पर मैदान को ओल्लाई पारे एनडीए भुवनेश्वर कैमरामैन आलोक मिश्रा अजेश मल्लिक न्यूज 18 ओडिया।
गोटे पटे राजनीति तो अन्य पटे रेड आगकु निर्वाचन थिबा बेले विभिन्न राज्य रे सीबीआई एवं ईडी रो चढ़ौ आउ केन्द्रमंत्री विश्वेश्वर टुडु कहि देले जे ओडिसा रे भी सेपरी किछि होई पारे तेनु तेजी छि राजनीति विरोधी दल रो नेता कहिछंती जे राज्य रे रेड आवश्यक तेनु काउंटर करिछि बीजेडी कहिछि केन्द्रीय संस्थार मुखपात्र न होई विकास प्रति ध्यान दियंतु मंत्री आउ कांग्रेस कहिछि सुविधा देखि सीबीआई को व्यवहार करुछि बीजेपी बीजेडी ने सरकारी पैसा को जीए मारी थी ये जीए भी होते कांग्रेस हो बीजेडी हो बीजेपी जीए भी हो जीए मारी थी निश्चित भाव खोर्ता देखो ये संदेह नहीं किंतु एतक कौन जेहतु गोटे सिस्टम अच्छी प्रोटोकल अच्छी इटमे टेक टाइम अब हम 23 जन को फुल खर्चा आसे बीजेडी वाला केन्द्रमन्त्रीको बयानको नै राज्य राजनीतिले झड आगको राज्यले सक्रिय हेबो कि केन्द्रीय तदन्तकारी संस्था ना बीजेडीको डराउँछन्ति केन्द्रमन्त्री किछि मास हेबो पश्चिमबङ्ग दिल्ली महाराष्ट्र बिहार परि राज्यले खुब आक्टिभ होउछि सीबीआई ईडी रेड होउछि गिरफ हेउछन्ति नेता एवं मन्त्री सेबडे राज्यले निर्वाचनी माहौल देखिबाको मिलिथ्वा बेले केन्द्रमन्त्रीको बयानको नै तेजी छि राजनीति ओडिशाकु केन्द्रमन्त्रीको घन घन गस्त जारी रहुथिबा बेले बीजेडी भी निर्वाचनी पई प्रस्तुति आरंभ करिछि तबे प्रश्न उठुछि मन्त्री कोहु सीबीआई कथा कहिछन्ति ना किछि बासना पाइछन्ति केन्द्रमन्त्रीको बयान परे विरोधी दल नेता भी सीधासळख राज्य सरकारकु टार्गेट करिछन्ति जयनारायण मिश्र कहिछन्ति राज्यरे दुर्नीति चरम सीमारे तेणु खोलताड़ हेबा आवश्यक हेले बीजेडी कहिछि केन्द्रीय तदन्तकारी संस्थार मुखपात्र न होइ राज्यर विकास प्रति मंत्री ध्यान देबा उचित सीबीआई कथा कहि केन्द्रमंत्री निजकु न्यून करुछन्ति सेटा स्वाभाविक कथा से कोन परिप्रेक्षीरे कहितिबे मु जानि नै किंतु जो भली भावरे दुर्नीति ओडिशा रे अछि विशेष करि खणि खदान मानकर जो दुर्नीति मान रहुछि या ऊपर तदंत हो निहाती आवश्यकता अच्छे थे द्विमत नहीं किंतु ईडी फीडी दे आर नॉट पॉलिटिकल एजेंसी शिरोनास्ती शिरोपीड़ा मते मु आश्चर्य जे जड़े केन्द्रमंत्री सीबीआई ईडी रो मुखपात्र पलटी चंती आमे खुशी होंतु जदि राज्यर बृहत्तर स्वार्थ दिगरे किछि राज्य पई कौन करिवे केमिति हबो से दिगरे चिंतित हंते एसबू बाहस्फोट मारी निजुकु न्यून करिबा पई से काहेकि चाहुचंती मु जानिनी आपण तांकु पचारले बेटर हंता हेले बीजेपी बीजेडी कळी केवल लोक देखाणिया बोली कहुची कांग्रेस विशेष सभापति शरद पटनायक कहचंती जेउटी बीजेपी रो आवश्यक पडुची सेटारे सक्रिय होउची केन्द्र तदंतकारी संस्था आउ आगकु भी देखबाकु मिलिबो एहार प्रतिफलन उद्देश्यमूलक भाव सब दल को करुँचन से आज गोटे को कहीं सारा भारत बर्ष चली जो जोटी सुट करा करुँचे नुआ कथा कि नुहे झारखंड एग्जाम्पल झारखंड वाले कमी करवस्था तो से लोक जनसाधारण जा सारे आगे जो जो हम लोक जनसाधारण सचेतन अच्छा किसी दिन पूर्व पूर्वतन विधायक प्रभात विश्वाल संपत्ति बाज्याप्ति करता केन्द्रीय संस्था आउ केतक नेता भी स्कानर अच्छा तेणु केन्द्रमंत्री बयान को नहीं लगि रही चर्चा भुवनेश्वरु कैमरामैन आलोक मिश्र अजेश मल्लिक न्यूज 18 ओडिया आज परवर्ती खबर को लघुचाप वर्षा बेहाल राज्य सुदृश्य लघुचाप अवपात होगा पर उत्तर ठू उपकूल सबुठी दक्षिण पश्चिम प्रबल वर्षा लागि रही स्थान में अति प्रबल वर्षा सहित 34 स्थान में प्रबल वर्षा हो आसंता 24 घंटा पई 10 जिला को जारी करा जाय छि ऑरेंज अलर्ट सेहिपरि ढेंकानाल सहर रे सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड होइथिबा बेले तलिया अंचल रे पानी जमा होई छि गजपति जिला बोरीगुमा ब्लॉक रे विभिन्न गाँव रे लगाण वर्षा फल रे अनेक घरर कांथ पड़ी नष्ट होई छि सबटे 16 रु आउ एक लघुचाप दाना बांधु छि अवपातर प्रभाव तीनटी स्थान रे अति प्रबल वर्षा 37 स्थान रे प्रबल वर्षा 24 घंटा रे स्वाभाविक थारु 270% अधिक वर्षा सदृश लघुचाप अवपात हेबा परे दक्षिण ओडिशा समेत राज्यर विभिन्न स्थान रे वर्षा लागि रहिछे
विशेषकर दक्षिण ओडिशा उपरे सक्रिय थिबा एही अवपात गत 6 घंटे घंटा प्रति बेग 25 किमी बेगरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करुछि। भवानीपाटना ठारु दक्षिण पूर्व दिगरे 10 किमी दूररे एहा केन्द्रीभूत रहिछि। आगामी 24 घंटा मध्यरे गतिर दिग बजाय रखिबा सह दक्षिण ओडिशा एवं दक्षिण छत्तीसगढ़ दे गति करिवो। परवर्ती समय रे धीरे धीरे दुर्बल हेबार संभावना रहिछि। फळरे 13 तारीख पर्यंत वर्षा जारी रहिबो। सेहिपरि आसंता 24 घंटा रे 10 जिला नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल, नुआपड़ा, बलांगीर, बरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, भद्रक और जाजपुर रे प्रबल वर्षा पई ऑरेंज अलर्ट जारी होइछि। उपकूल और आभ्यंतरण 18 जिला रे प्रबल वर्षा नहीं येलो अलर्ट जारी करा जाइछि। सोमवार पश्चिम और आभ्यंतरण ओडिशा रे वर्षार परिमाण वृद्धि पाइबाकु थिबा बेले 16 जिला को येलो अलर्ट जारी होइछि। दक्षिण ओडिशा रे हमर नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल, नुआपड़ा, बलांगीर एवं उत्तर ओडिशा रे बरगढ़, केन्दुझर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज ए सब जिले में गोटे दुई स्थान प्रबल अति प्रबल वर्षा रहिबो। वर्षा प्रभाव रे आमर जो कच्चा घर कच्चा रास्ता प्रभावित हो। सेहिपरि अवपातर प्रभाव रे समुद्र तटवर्ती अंचल रे पवन रेग घंटा प्रति 40-50 किलोमीटर रहिबो। समुद्र अशांत रहिथिबारु सोमवार पर्यंत मत्स्यजीवी को भीतर को जीवाकु बारण होइछि। समस्त बंदर गुड़िक रे 3 नंबर विपद संकेत जारी रहिछि। अन्यपटे मौसुमी निम्न चापरेखा निजर साधारण अवस्थान ठारु दक्षिण रहिबा सह गुजरात र नालियारु बाहरी अहमदाबाद, ब्रह्मपुरी, जगदलपुर, दक्षिण ओडिशा उपरे अवपातर केन्द्र ठारु पूर्व दक्षिण पूर्व दिगरे पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर जाए लंबिछे, जहार प्रभाव में मध्य आगक वर्षा जारी रहिबो। सेहिभली आसंता 16-22 तारीख मध्य आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबा नै पाग अनुकूल रहिछे, जहार प्रभाव में पुणी राज्य को भल वर्षा मिलिबो बोली आशा करा जाउछे। विस्तारित परिसर आकलन जो सूचना दिया 16-22 तारीख जो द्वितीय सप्ताह रहुछि सेथिरे जो प्रथमार्ध मध्य गोटे आमर घूर्णिबल किंबा लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रहुछि, तार अनुमान करा जाय कि गोटे संभावना रहुछि। 16-19 सिस्टम कला परे भी 23-25 सिस्टम टिके मॉडरेट रही पारे, लघुचाप क्षेत्र रही पारे, किंतु अक्टोबर सिस्टम गुरा टिके ताकु बेसी मॉनिटर करिया पड़ो, कारण अक्टोबर रे लघुचि बेसी वर्षार प्रभाव रहिबो कंपेयर टू सेप्टेम्बर। ढेंकनाल सहरें सर्वाधिक वर्षा 154 मिलीमिटर रेकर्ड कर जिले में मोट 373.9 मिलीमिटर वर्षा रेकर्ड हो। प्रबल वर्षा जो सहर अधिकांश स्थान में सृष्टि हो जलबंदी परिस्थिति, लोके घर पदा को बाहर एक प्रकार असंभव हो पड़े। बड़ सेठी बाटिया कौन कह पूरा टोटाल टाउन पा भर को बसला आई रास्ता कम जो चली बर्तमान ड्रेन इनोभेसन चली खाली रिनोभेशन काम हो जाए किंतु पानी निष्कासन पाई गवर्नमेंट कौन से व्यवस्था कलानी। दक्षिण ओडिशार गंजाम और गजपति जिले में प्रबल वर्षा हो। गंजाम दिगपहर घोड़ाहाड़ ड्यम्र जलभंडार जलस्तर बढ़िवार गोटे गेट खोल जाए। से बुगुड़ा और पोलसरा अंचल बाघुआ जलभंडार जलस्तर वृद्धि पाइबा सह तलिया अंचल पा जमी। सेहिपरि गजपत जिले लगाण वर्षा गुमा ब्लक कुजा सिंह पंचायत में कांथ पड़ पांचटी घर संपूर्ण नष्ट हो जाए। बलांगीर सहर रे भी लगाण वर्षा जो रास्ताघाट में पा जमी रही। ट्विन सिटी भुवनेश्वर कटक सह केन्द्रापड़े लगाण वर्षा जनजीवन को अस्तव्यस्त कर देती। नयागढ़, खोर्धा और केन्दुझर जिले में वर्षा जो तलिया अंचल पा भरी रही। एबे सुधा राज्य रे 5% अधिक वर्षा होता बेले आग को आहुरी वर्षा नहीं आकलन हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। राजधानी रे गर्जिले शिक्षक, प्रबल वर्षा सत्वे कले विशाल समावेश, स्थायी मान्यता दाबी रे लोअर पीएमजी रे आंदोलन करिछंती हजार हजार चुक्तिभित्तिक शिक्षक और कर्मचारी। आगामी एक मास मध्यरे दाबी पूरण न होले आंदोलन को आहुरी भयंकर कराजो बोली संघ चेतावनी देछि। लोयर पीएमजी रे गर्जन, अधिकार पाई लड़े राज्य सरकार को उदासीनतार तीव्र प्रतिवाद। किछि दिनर निरवता परे पूणी कंपिचि भुवनेश्वर रो महात्मा गांधी मार्ग, राजरास्ता को ओल्लाइछंती चुक्तिभित्तिक शिक्षक और कर्मचारी महासंघ। वर्षा को खातिर नकरी एकजुट होइछंती हजार हजार आंदोलनकारी।
प्रबल वर्षा सत्वे छताधरी करिछंती विक्षोभ। चुक्तिभित्तिक कर्मचारी और शिक्षक महासंघर प्राय 30,000 कर्मी एकाठी होइथिले एही समावेश। मास्टर कैंटीन ठारु लोयर पीएमजी जाए छाई जाइथिले। महासंघर थिला दुई दफा दाबी, चुक्तिभित्तिक निजुक्ति संपूर्ण बंद कराजाउ एवं 6 वर्ष हेब चुक्तिभित्तिक निजुक्ति पाइथिबा कर्मचारी को सरकारी मान्यता सह सुविधा प्रदान कराजाउ। चुक्तिभित्तिक पथा जो कंट्राक्चुआल रूल चलछि ताकु अबोलिशन करा जाउ, उच्छेद करा जाउ, आउ 6 वर्ष जो गोती खटछन ताकु मूल चाकिटे जोग करियाउ। दीटा दाबी कि आमे 2017 रु राज्य सरकार बहुत आंदोलन आउ प्रतिशत मिलिछि। 2021 रे 50% दरमा वृद्धि होइछि, नाटा को परिवर्तन कराइछि। 18 मसीह तत्कालीन माननीय मुख्य शासन सचिव आमको लिखित प्रतिश्रुति मसक भितर दाबी पूरण करेंगे से कले ना। माननीय मुख्यमंत्री आम सहित आलोचना करते 50% बढ़े एवं 2 मास भर समस्या समाधान करने प्रतिश्रुति कले ना। आंदोलनकारी अभियोग कर 2013 शिक्षक कर्मचारी मानू चुक्तिभित्तिक निजुक्ति देते सरकार नियम थिला 6 वर्ष परे कराजिबो नियमित, किंतु ताहा कार्यकारी हेला नाही। 2018 रु लगातार भावे आंदोलन परे 2021 रे राज्य सरकार कहिथिले खूब शीघ्र ठिका शिक्षक कर्मचारी को स्थायी कराजिबो। एहा भितरे वर्षे बितिगलाणी किंतु फल शून्य। बाध्य होई ठिका शिक्षक कर्मचारी माने आंदोलनात्मक पंथा अपणैथिबा कहिछन्ति। सेपटे राज्य सरकार पक्षर कहुई निजुक्ति प्रक्रिया जारी रही, पर्यायक्रमे ठिका शिक्षक कर्मचारी को नियमित कर मुख्यमंत्री शिक्षक मान दाबी निश्चय पूरण कर सरकार कर जेते सब नुआ योजना करुचंती सब योजना को आमे ही कार्यकारी करुचु सब बेले, किंतु सरकार आम कथा ही चिंता करूनांती आम को ही चुक्ति भित्तिक प्रथा रे रखिचंती। जदि गोटे ऑफिस रे रेगुलर कर्मचारी टे 100% दरमा पाइबो समान काम करी के आमे माने काहे के 50% दरमा पाइबो, आमे माने कहउचु आमर चुक्ति भित्तिक प्रथा उच्छेद हो एवं 6 वर्ष को चाकरी रे गणना करा जाउ। 2 वर्ष रो कोविड संगरे संघर्ष परे जेतेबेले राज्य सरकार चेष्टित मु भाबुची ये सबू जिनिष कहिबा पूर्वरु राज्य सरकार तापरी माने सेथिप्रति तत्परतार सह देखुचंती। ऑलरेडी तांकर दरमा 40% बढ़ी आगु को मध्य अनेकांशरे तांकर योग्यता भित्तिक जोटा परमानेंट हबा दरकार से स्टेप निश्चित भावे राज्य सरकार नेबे। प्रतिथर सरकारंक पक्षरु केवल प्रतिश्रुति मिलुची किंतु पदक्षेप निया जाउनाही। आगामी मासक भितर जदि दाबी पूरण न हुए तेबे आंदोलन को आहुरी जोरदार कराजिबो बोली चेतावनी देइछि महासंघ। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन आशीष दास को सह अजेश मल्लिक और निरुपमा बेहरा न्यूज 18 ओडिया। आसंता 13 तारीख रु 3 दिनिया मुंबई गस्तरे जिबे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। 14 तारीख रे मुंबई रे हेबाकु थिबा मेक इन ओडिशा इन्वेस्टर मीट रे से जोगो देबे। सेठारे निवेशक कारी को नवंबर 30 रु डिसेंबर 4 तारीख मेक इन ओडिशा रो तृतीय संस्करण रे जोगो देबा को आमंत्रण करिवे। प्रथमे दुबई इन्वेस्टर मीट परे अहमदाबाद, एहा परे दिल्ली एवं एबे मुंबई कार्यक्रम को सफल करिबा को योजना करिछंती सरकार। बीजेडी कहिछि मुख्यमंत्री को दूरदृष्टि जोगु शिल्प क्षेत्र रे अग्रणी मेक इन ओडिशा रो 2 संस्करण रे 6 लाख कोटी रु ऊर्ध कोटी टंकार पुंजी निवेश प्रस्ताव मिलिथिबा बेले आगामी संस्करण भी एहा सफलता आनी देबो। दुबई परे अहमदाबाद, अहमदाबाद परे दिल्ली, दिल्ली परे वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जाउचंती पूरा टीम सांगरे जाउचंती महाराष्ट्र। ये सब होउची मेक इन ओडिशा रो जो तृतीय संस्करण अछि जोटा आरंभ हबो नवंबर 30 रु डिसेंबर 4 पर्यंत। एठिकार इन्वेस्टर्स सेठी इन्वेस्ट करिवे बेली गले सेठिकार इन्वेस्टर्स सेमाने ऑलरेडी कमिट कर सारलेनी। 21,000 कोटी टंकार इन्वेस्टमेंट आमे ऑलरेडी पाई सारलेनी। कोहिनूर हीरा भारत फेरु, ब्रिटेन महाराणी द्वितीय एलिजाबेथ को मृत्यु परे ए दाबी एबे जोर धरिछि। एथिसहित दाबी उठिछि जे कोहिनूर हीरा श्रीमंदिर को आसीबा दरकार, कारण ताहा महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर मस्तकरे शोभा पाउ बोली तत्कालीन राजा रणजीत सिंह इच्छा प्रकाश करिथिले, जहार लिखित दस्तावेज एबे भी गच्छित रहिछि दिल्लीर जातीय अभिलेखागारे। आउ ऐतिहासिक अनिल धीर ए तथ्य रखिबा परे हीरा फेराई आनिबा दिगरे राज्य तथा केन्द्र सरकार गुरुत्वर सह विचार करिबाकु दाबी रखिछन्ते।
श्रीमंदिर को फेर कि श्रीजगन्नाथ को समर्पित कोहिनूर हीरा महाप्रभु मस्तक शोभा पाइब कि बहुमूल्य कोहिनूर हीरा ब्रिटेन महाराणी द्वितीय एलिजाबेथ देहांत पर भारत को कोहिनूर हीरा फेर प्रसंग जोर धरी एस कोहिनूर हीरा श्रीमंदिर को फेरई अणाऊ बोली दाबी रखिंट ऐतिहासिक अनिल खीर से कहते कोहिनूर हीरा पाइबार प्रमुख दाबीदार होती पुरी श्रीमंदिर कारण कोहिनूर हीरा प्रभु जगन्नाथ को समर्पण करार जो इच्छा तत्कालीन राजा रंजित सिंह प्रकाश करते तार लिखित दस्तावेज दिल्ली नेशनल आर्काइव बा जातीय अभिलेखागारे एवं भी रही जो उल्लेख रही राजा रंजित सिंह इच्छा करते कोहिनूर हीरा प्रभु जगन्नाथ मुकुट में लग जाऊ साक्षी हिसाब से जड़े ब्रिटिश आर्मी अफिसर को रखिते राजा रंजित सिंह से ही मूल डॉक्यूमेंट को ओडिशा आनी राज्य संग्रहालय में रखाऊ बोली दावी करिसेंती ऐतिहासिक अनिल देव कारण ताड़शा सहित कोहिनूर हीरा संपर्क बलिष्ठ प्रमाण एने दस वर्ष तले राज्य सरकार केन्द्र सरकार ईएसआई और जातीय अभिलेखागार दृष्टि आकर्षण करदि कोहिनूर हीरा श्रीमंदिर को आने पर राज्य सरकार चाहते तेज दिगरे गुरुतर सह विचार करूँ बोली अनिल दावी रखिंट रंजित सिंह लास्ट विल जहाँ उपरे गोटे ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर टेस्टिफाई करिछि एज ए विटनेस से ओरिजिनल कॉपीटा आज भी नेशनल आर्काइव्स दिल्ली रे अछि जो थे महाराजा रंजित सिंह क्लीयर कट लिखी थे ऑन हिज डेथ बेड कि कोहिनूरटा पुरी मंदिर को जाऊ जगन्नाथ मुकुट रे ओडिशा सरकार गोटे स्ट्रॉन्ग क्लेम विथ एविडेंस आज जाए दे नहांती दे शुड गिव इट इमीडिएटली यदि चाहूछन्ते आने आपे जगद्गुरु शंकराचार्य पुरी गोवर्धन पीठाधीश निचलानंद सरस्वती कोहिनूर हीरा श्रीमंदिर को फेरई आने सपक्ष में मंतव्य रखिंट कहवा कथा है कोहिनूर हीरा भारतर यह इंग्रज मैंने चोरई नहीं समय आसी से मूल्यवान हीरा को भारत फेरई अणाऊ सेपटे जगन्नाथ सेना कोहिनूर हीरा जगन्नाथ दृढ़ स्वर उत्थापन कर सेना पक्षर एक दाबी संपर्क में ब्रिटेन राजदूत को अवगत करा एवं राज्य और केन्द्र सरकार कोहिनूर हीरा भारत फेर आने दिगरे तत्परता देखा बोली सेनार आवाहक दावी कर अफगानिस्तान से लेकर आगरा तक जिनका शासन था उनका नाम रणजीत सिंह कोहिनूर हीरा के स्वामी वे ही थे उन्होंने श्री जगन्नाथ मंदिर में जो जगन्नाथ भगवान है उनके नाम वसीयत में उस हीरा को किया था वो दैवयोग से चल बसे देहांत हो गया बालक छोटी आयु का था अपहरणकर्ताओं ने अपहरण कर लिया रानी को चिट्ठी अपन मान देखो रानी कहा को चिट्ठी दे नहीं भारत वर्ष जगन्नाथ सेना को चिट्ठी देमको आम आशा करुचु जे समस्त भावुले कोहिनूरटा भारतर बोली कोहिनूर भारतर नुह कोहिनूर जगन्नाथ महाप्रभुंकर सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा है राणी मलापर कोहिनूर केमिति आसिबो एहाको प्रश्नवाची सृष्टि करछि कोहिनूर हीरार इतिहास अनेकों पर अजणा किंतु यह सत्य जे भारत जाई ब्रिटेन में पहुंचा पछरे ब्रिटिश शासकों अनेक षड्यंत्र रही जदिओ कोहिनूर हीरा भारत फेर एक अत्यंत कष्टसाध्य व्यापार किंतु तापाई उपयुक्त फोरम रे दाबी उठाइबारे समस्या नाही बोली विशेषज्ञ मत रखिछन्ति ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया सफल होइछि परिश्रम पूरण होइछि बापांक स्वप्न बापा हेउछन्ति जणे खबर कागज वितरक आउ पुओ हेबे डाक्टर नीट परीक्षा रे सर्वभारतीय स्तर रे 4513 रैंक रखिछन्ति ढेंकानाळर दीप्ति रंजन साहू आउ विभिन्न महलरु छुटिछि शुभेच्छार सुआ सकाळ हेले घर घर बुली खबर कागज बांटन्ति बापा किंतु पुओ हेबे डाक्टर ढेंकानाल सहरर पद्मबजार अंचलर सुशांत कुमार साहूंक पुओ दीप्ति रंजन साहू नीट पाइछन्ति दीप्ति रंजन ऑल इंडिया नीट परीक्षा रे 720 नंबर रु 650 नंबर रखिछन्ति ऑल इंडिया स्तर रे 4513 रैंक रखिछन्ति ओडिशार सबुठारु आगधाड़ीर मेडिकल कॉलेज रे डाक्तरी पाठ पढ़िवार सुजोग पाई पारंती दीप्ति रंजन एमबीबीएस पढ़ीबा परे न्यूरो सर्जन हेबा पाई आशा रखिछन्ति दीप्ति रंजन दिनकु 15-16 घंटा पाठ पढ़ुथिले बोली कहिछन्ति दीप्ति रंजन फुलमागु 720
ସେଥିରୁ ମୋର 650 ଆସୁଛି, ଆଉ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ହେଉଛି 4513। ନମ୍ବର ୱାନ୍ କଲେଜ ଯେଉଁ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ସେଇଠି ପଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଏଲିଜିବୁଲ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ସେଇଠି ହେଇଯିବ। ଦିନ 15-16 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲି, ସକାଳ 8ରୁ ରାତି 8 ଯେପରି ପଢ଼ିବୁ, ରାତି ତାପରେ ଟିକେ 10-12 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବୁ, ଦିନ ରାତି ଖାଲି ପଢ଼ା ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ଏବେ ଦୀତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସଫଳତା ପରେ ବାପା ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ପୁଅକୁ ଡାକ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିନାହାନ୍ତି। ପୁଅ ନିଟ୍ ପାଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପେପର ଅଛି, ନକରିଂ କରିଛି, ଚଲେଇଛି, ସଂସ୍ଥା ଚଲେଇଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଡାକ୍ତର ବହୁତ ପାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବି ପାଇଥାନ୍ତା, ବିଡିଏସ୍ରେ ପାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଗଲାନି। ସେଟା MBBS କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଡ୍ରପ୍ କରିକି ପୁଣି ଆଉ ତା ଚେଷ୍ଟାରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପାଇଲା। ଆଉ ଖୁସି ତ କହିହେବନି, ବହୁତ ଖୁସି। ମାମ ପୁଅ କରିଛି ବହୁତ, ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଗଲା ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା, ତଥାପି ସେ କହିଲା ମୁଁ ଭଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପଢ଼ିବି ମେଡ଼ିକାଲ, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼ିବି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଆମେ କିଛି ନାହିଁ, ତା ବାପା ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ କେବଳ ସଫଳତା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଆସିଆ ଖେଳ ଖବରକୁ, ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଟାଇଟଲ ଲଢ଼େଇ ଦୁବାଇରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ। ତେବେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଡିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ, ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ତେବେ ଅନ୍ତିମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବାରୁ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛି